नमस्ते। नमस्ते बाबा, अक्सर मैं आपको देखती हूँ, आप सड़कों पर अपनी ही धुन में गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह गाना गाकर आप इस देश को सुधार लेंगे? देश सुधरे या न सुधरे, लेकिन इस तरह गाकर मैं अपने दुख को कम जरूर कर लेता हूँ। मेरा भी यही ख्याल था, इसके पीछे जरूर कोई दुख भरी कहानी होगी। ये दुख भरी कहानी नहीं बेटी, हादसा भरी हकीकत है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम्हारे जैसी मेरे एक बेटी थी, बहुत अच्छा गाती थी। एक दिन एक मंदिर के उद्घाटन में भजन गाने गई और वापस नहीं आई, क्योंकि उस जलसे के चीफ गेस्ट को मेरी बेटी के गाने से ज्यादा उसकी सुंदरता भा गई। उस चीफ गेस्ट के अंदर का जानवर शराफत और सभ्यता के सारे कपड़े उतार कर बाहर आ गया और मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आप मुझे बताइए वो जानवर कौन है, मैं उसे अदालत में खड़ा करके सजा दिलाऊंगी। इस पाप की सजा सिर्फ मौत है। मैं चाहता तो खुद उसका खून कर सकता था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैंने उसका खून सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उसकी मौत के बाद मेरी एक और बेटी, जो हमेशा दूसरों का भला करती रहती है, वो विधवा हो जाती। मैं अपने दिल की आग बुझाने के लिए उसके माथे का सिंदूर नहीं पूछना चाहता था। आप महान हैं बाबा, यू आर रियली ग्रेट, लेकिन वो शैतान कौन है? बाबा बताइए ना। तुम्हारा पति